कनेक्ट कर दिया। देखो भाई भाई इतनी ज्यादा धोधी ने इनने गाड़ी मतलब इतनी ज्यादा एक्सीलेटर खींच दिया इसका। गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए, झकास हो गए। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं भाई, ये दो स्प्लेंडर देख के आप ये मत सोचना कि ये स्प्लेंडर दोनों जाने वाली है। गाइस इसमें से एक स्प्लेंडर जाने वाली है क्योंकि भाई जो याली स्प्लेंडर है ना इसकी बैटरी हो गई खत्म और भाई ये स्टार्ट नहीं हो रही है। किक भी भाई बहुत जाम हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाइस करंट नहीं पहुंच रहा तो उससे इसमें धक्का लगा के स्टार्ट करेंगे। तो भाई याली तो यहीं रहेगी और इसको लेके चलेंगे। गाइस एक जगह प्यारी सी है जो कि हम जाने वाले हैं भाई, वहां पे भाई आपको क्या बताएं कि बहुत ही खतरनाक भाई, इतना मस्त लोकेशन है ना कि वहां से हमने देखा था कि एक बंदे ने डाली थी वीडियो ना, तो भाई वहां पे देखे ना कि मजा ही आ गया। तो हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी चले वहां। तो भाई हम भी चलते हैं वहां पे और आपको दिखाते हैं वो जगह चल के। तो मिलते हैं आपको आगे चल के। भाई सभी हमने यहाँ से फिलअप कराया क्योंकि भाई आजकल गाड़ी में तेल नहीं पड़ पा रहा है, गरीबी इतनी आ गई है ना, तेल भी नहीं भरा पा रहे हैं अच्छे से। भाई जाने अनजाने में एक शख्स मिल गया है, पता नहीं कौन सा है भाई ये है? देख रहे हो इनको, क्या नाम है, दैनी ब्लॉग्स। भाई ये दैनी ब्लॉग्स है भाई साहब, ऑफ रोडिंग देख रहे, पूरा पानी है ये, पानी 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 पानी, ये कहाँ आ गए, हे प्रभु, हे हे हरिराम, हे कृष्ण मुरारी, ये क्या हुआ। तो भाई सभी हम पहुंच चुके हैं आपका कमलवा गांजा, भाई कमलवा गांजा की गलियों में चल रहे हैं और भाई यहां से फिर जाएंगे हाईवे नेशनल रोड और भाई वहां से फिर जाएंगे अपने एक आगे से चल के एक उस जगह पे जो कि भाई आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप जानी पहचानी जगह है। फिर आगे चलोगे तब पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है और कौन सी लोकेशन है भाई वो। तो आप बस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नई नई ब्लॉग देखने के लिए। तो भाई यही अपना नेशनल हाईवे रोड और भाई यहाँ से एक लेफ्ट कर लेंगे भाई, वहाँ से रास्ता जाएगी थोड़ा सा। भाई मौसम की बात करिए तो भाई मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, इसी गली से भाई आगे जाएंगे और आगे चल के देखो भाई क्या क्या होने वाला है, होने वाली है। अरे पागल है क्या, ऐसा मत कर, हे परमात्मा मुझे बचा ले। गाइस पता है अभी ना हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं भाई, हम पहुंच गए पता नहीं भगवानपुर से भी बहुत आगे पहुंच गए, मतलब पहाड़ों के किनारे पहुंच ही गए हैं। आप देखो पहाड़ को चेक कर सकते हो, थोड़ा दूरी दिख रहे हैं हमसे। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं आपका नेशनल हाईवे और भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ चलान वलान तगड़े होते हैं तो पहले देखना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ वाले आगे पहुंच गए हैं देखने के लिए, चला नहीं होंगे भाई यहाँ पे कोई नहीं है शायद अभी। तो भाई यहाँ से चलते हैं भाई फिर लेफ्ट और लेफ्ट चलने के बाद भाई थोड़ा सा आगे चलेंगे तो भाई आ जाएगी आपकी वाली लोकेशन जिस लोकेशन में हम भाई जा रहे थे। और भाई वो लोकेशन है ना आप देखोगे तो कहोगे क्या जन्नत में ले आए भैया आप। तो भाई चलते हैं आगे, बस कुछ ही देर में हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं और आपको हम वो जगह दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा सा रह गया, बने रहो। राशन पानी बट रही है क्या, हुआ है क्या पता नहीं यार। गाइस क्या हुआ है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे भाई और आप बस एक मिनट का और सबर करिए भाई, वो लोकेशन आपको हम चेक कराते हैं भाई कितनी प्यारी है। और गाइस वो ये रोड है जिससे हम जाने वाले हैं उस रोड में और भाई इसी रोड में आपका वो लोकेशन है और वो जगह है। भाई आप देखोगे तो कहोगे कि कुछ है भाई और आज कुछ दिखाया रवि भाई ने। और भाई किस्मत सही होगी तो भाई वो बहरा होगा नीचे झरना टाइप का, अगर भाई किस्मत ठीक होगी तो भाई वो लोकेशन भाई यूं की त्यों होगी, और अगर भाई किस्मत हमारी खराब निकली तो भाई सॉरी यार कि हम दिखा नहीं पाएंगे आपको जो चीज हम दिखाने जा रहे थे वो। फिलहाल जहाँ तक है वहाँ तक तो भाई बारिश का टाइम है तो भाई वो चीज होनी चाहिए वहाँ पे। तो गाइस चलते हैं और अभी आपको वो चीज दिखाते हैं चल के। बकाया भाई ये जगह ऐसी है, गाइस ये रोड गई और एक ही रोड गई तो भाई याली रोड में चलना है, इसी रोड में भाई वो जगह है, लोकेशन है, आप बस बने रहो एक मिनट और बस फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं उस लोकेशन पे। और भाई वो लोकेशन ऐसी है ना आपको क्या बताया जाए, जन्नत है यार एक हिसाब से देखा जाए तो। भाई अगर वो जगह सही निकली ना तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब पता नहीं कि अरे यार गाइस मुझे लग रहा हमारा पोपट हो चुका है यहीं से भाई, देखे पोपट हो गया, कट गया भाई, यही जगह है वो जो कि हम चाह रहे थे और आ रहे थे। और भाई फिलहाल ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह आप चेक कर सकते हो भाई,
अबे निकल जाएगी ना गाड़ी भाई, ये है वो जगह। सो गाइस फाइनली अपन लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जिस लोकेशन पे भाई हमने बात करी थी पहुंचने की, और जिस चीज को हम दिखाना चाहते थे भाई वो चीज पीछे होने वाली थी, बट वहाँ पे पानी भाई कम है तो भाई नहीं है, तो भाई दिखाने वाली चीज तो वहाँ पे थी जो ये बने हुए भाई, ये शायद 52 है यहाँ से वहाँ तक जो भी है शायद ऐसा ही है ना भाई, 52 है भाई। वाटरफॉल की तरह था भाई, मतलब पूरा इसकी जो मतलब नहर टाइप की बनी है जो पानी स्टोर करती है, वो फूल होने की वजह से ना सब नीचे गिर रहा था भाई, वो मतलब व्यू इतना प्यारा आ रहा था भाई, तो वही तो चीज मैं बता रहा था, वही चीज हो रहा था यहाँ पे। कल परसों पानी निकल रहा था क्या यहाँ से? निकल रहा था हाँ यार, कल परसों भाई यहाँ से पानी निकल रहा था बहुत प्यारा प्यारा भाई, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक भाई पूरा निकल रहा था वाटरफॉल की तरफ भाई, बड़ा अमेजिंग लग रहा था। एक रिवर से बह रही इधर, और भाई रिवर से भाई बच्चे जो मजे ले रहे हैं आपको क्या बताऊँ, ये देखो भाई भाई वो उधर से आ रही है ये, और भाई यहाँ से ये देखो लोग मजे ले रहे हैं। और गाइस अब हम यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर तो भाई और ज्यादा अच्छी चीज है, तो चलते हैं एक बार चेक करते हैं उसको भी कि वहाँ है या नहीं है, तो भाई चलते हैं उधर को। तो भाई चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक रिवर्स है भाई वो बहुत बड़ी है, और भाई मतलब आप समझोगे नहीं कि इतना पानी है, और भाई उसके अंदर ना फिश तो भाई इतनी ज्यादा आती है ना बड़ी बड़ी भाई, बहुत बड़ी बड़ी, तो भाई उसको भी चेक करते हैं चल के, चले भाई आगे। तो भाई चलते हैं गाइस यहाँ से ही अंदर चलते हैं, और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ मैं भाई कितना अच्छा खतरनाक व्यू है वहाँ पे, और तगड़ी लोकेशन है अंदर की तो और ज्यादा तगड़ी है, आप बस कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो भाई साहब भाई साहब। तो गाइस इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितनी अच्छी जगह है भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है, और भाई इतनी खतरनाक रिवर्स बह रही है ना भाई, मतलब कहने का कोई सवाल ही नहीं है, इतनी खतरनाक रिवर्स बह रही है। तो गाइस ये तो आपकी पहली वाली है भाई, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा, सेकेंड वाली में चेक करते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे सस्ता वाला वाटर पूल और स्विमिंग पूल दोनों है यहीं पे, और गाइस इसके आगे एक और है रिवर्स भाई वो बहुत बड़ी है, तो गाइस उसमें देखते हैं कि कैसा हो रहा है माहौल, कैसा है कैसा नहीं है, तो गाइस उसमें चलते हैं और उसको चेक करते हैं कि कैसा हो रहा है भाई, वहाँ पे तो इससे अच्छा है भाई बहुत खतरनाक ही है, तो चलते हैं उधर को और मजे लेते हैं भाई उधर वाली में चल के। अरे अरे मैं तो जाऊंगा, मत कर मत कर मत कर, अरे सुरमा है ये, अरे 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 अरे। सो गाइस फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं भाई, आप देख सकते हो कि इतना खतरनाक पानी आ रहा है भाई, इतनी खतरनाक बह रही है ये देखो भाई, अभी कुछ टाइम पे ना जब भाई बारिश आई थी ना तो ये पूरा भाई खत्म हो गया है, देखो तबाही मची है भाई, मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी तबाही मच चुकी है भाई इधर साइड में, उधर देखेगा चल के भाई पूरी जंगल में पानी पानी आया हुआ है, अभी भाई बारिश दो दिन से रुक गई है ना, तो भाई उधर को नहीं है और इधर को पूरी तबाही मच चुकी है, ये देखो भाई मैं दिखाता हूँ आपको, मत ले जा भाई मत ले जा। अगर मैंने चप्पल पहने होते ना मैं बेफिक्र होके चले जाता यार, भाई साहब भाई सिस्टम हैंग कर दिया था अभी, देखा था आपने भाई, देख लो गाड़ी भी भाई हिट मार गई है भाई, जो ये पूरी लोकेशन है ना भाई पूरी भाई इस पूरे जंगल में ना उस टाइम पे पूरा पानी पानी आया है भाई, सब तरफ से जो ये नदी है ना भाई जो रिवर से बह रही है याली भाई, इस रिवर से ना भाई पूरी जगह में पानी पानी कर दिया भाई, इधर हर जगह पानी पानी है, उधर उधर हर जगह भाई पानी है, आपको क्या बताया जाए भाई, बहुत खतरनाक हो रखा है इधर यार, बहुत तगड़ा सीन है, ये पूरी नदी में पानी पानी आया भाई, और देख रहे हो ऊपर से पहाड़ टूट टूट के आए हैं, तो पेड़ भी टूटते हैं ना, तो भाई देखो पेड़ ही पेड़ है भाई, पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ आ रखे हैं यार, बहके पूरी रिवर्स में भाई पेड़ आए हैं, उधर से लेके उधर तक पूरे जंगल में पानी ही पानी आ रखा है भाई साहब, बहुत खतरनाक सीन हुआ है भाई इधर। तो गाइस फिलहाल हमने ये जगह तो आपको दिखाई दी, तो गाइस चलते हैं थोड़ा सा और कुछ दिखा सकते हैं आपको भाई, सिस्टम हैक कर दिया देखो भाई, ओ भाई सिस्टम हैक कर दिया रे, तुमने गाड़ी को तो खतरनाक ही कर दिया यार दिनेश भाई, क्या करा धुल्ले हो गया, साफ कर रहे हो, खींच रहा हूँ, धुआं निकलने लगा गाड़ी से यार, भाई देख रहे हो धुआं निकल रहा है गाड़ी से, इतनी ज्यादा हिट मार रही है देख रहे हो भाई, इतनी ज्यादा धो दी ने इनने गाड़ी, मतलब इतनी ज्यादा एक्सीलेटर खींच दिया इसका कि भाई धुआं मारने लगी यार, धुआं कितना मार रही है, बजाज का इंजन है भाई, ये बजाज का इंजन, ऊपर तक का भाप मार रही है, हिट मार रही है ये देखो, ये भाई साहब ये गाड़ी भाई मुझे लग रहा भाई बजाज गाड़ी खराब है, बजाज की नहीं लेनी थी बजाज भाई, ये पानी 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 चले भाई,
अबे टेंशन में तो हाथ मत ले। चलो जल्दी चलो, ओ अमन भाई चलो यार जल्दी यार, भाई बहुत टाइम हो रहा है यार। अरे फोटो ला तुम वीडियो कर। धुआं मार रही है गाड़ी यहाँ तक भाई, भाई चलते हैं अब यहाँ से भाई, यहाँ पे सब कुछ हो गया जो बनना था भाई, अब चलते हैं भाई यहाँ से आराम से घर को। तो भाई अभी हम वहाँ से भाई आ गए हैं, और भाई जो चीज हमने आपको दिखाने की बात करी भाई, वो सिस्टम वहाँ पे था नहीं, क्योंकि वो सिस्टम जो था ना भाई, पानी कम हो गया ना वहाँ पे, तो ऊपर से भाई कम निकल रहा था, निकल ही नहीं रहा था वहाँ से, कि मतलब उतना ही था जितना कि उस गूल में चल सकता था, यानी कि नहर में ओवर पानी होता ना भाई, तो भाई वहाँ से ऊपर से भाई बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह बहता है यार, समझे, बड़ा मजा आ जाता है देखते। तो भाई अगर नेक्स्ट बार ऐसा हुआ ना, तो भाई नेक्स्ट बार दिखाएंगे आपको। तो भाई फाइनली अपन लोग भाई अपने घर पहुंच चुके हैं, और अमन भाई ये रहे, और भाई अंकित लोग और ये दोनों ये रहे, और ये दोनों उधर को देख रहे हैं, और भाई ये दोनों ये रहे, और अमन भाई अपने ये रहे, और भाई अब हम यहाँ से चलते हैं भाई घर, ये लोग जाते हैं अपने घर, मैं इनको कहता हूँ अलविदा, यानी कि आज से नहीं आएंगे मेरे साथ कभी, तो भाई अलविदा, जाओ मर जाओ जाके, जल्दी जल्दी जहर खा लेना। सो गाइस, इस भाई जो ब्लॉगर है ना, जो आपका वो ये ब्लॉग दिखा रहा है, तो इससे मैं भाई मैं दिल से कहना चाहता हूँ, चुल्लू पर पानी में डूब मर, बाकी गाली दे नहीं सकता हूँ ब्लॉग के अंदर।